night. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, I see a sight that almost stops your heart. It's supposed to midnight. There's something evil lurking in the dark. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed. Darkness all across the lands. The midnight hour is closing the path. Creatures calls in search of blood to terrorize your neighborhood. Falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. Welcome, ladies and gentlemen, Midnight Horror Show with RjVortex and all for Musties Web Radio. Umeed karta hoon aap log khush honge, khairiyat se honge, jahan jahan se bhi maujood hain, apne apne rooms ki light on kar lein. Because it's a 1 hour that we are doing show tonight, a horror one. Aur horror show humne aaj se pehle pichle hafte mein nahi kiya tha. To umeed karta hoon ki aaj hum karenge. Knockout ki story jo hai wo maine upload nahi kari hai and inke naam se upload hogi. To aap log chahe to wo bhi sun sakte hain. और एक तरीका और भी है मेरे पास कि हम नॉकआउट की वीडियो जो है वो सुन पाएं. एंड एनिग्मा इज़ फाइनली हेयर बैक एंड कल इनका बर्थडे है एनिग्मा का और हम इनके लिए जो है वो एक डेडिकेशन करेंगे यहाँ पे इनकी बर्थडे के लिए. एंड From my fans and from my side, Enigma, wish you a very, very happy birthday. May you have many more in your life and we can celebrate it together, inshallah. Hashmi is saying thank you for welcoming Hashmi. Rani ko bhi thank you kahenge. Uran ko bhi well thank you kahenge. And Sundas ko bhi thank you kahenge. Aries ko bhi thanks kahenge. Knockout ko thanks kahenge. इन सब को थैंक्स इसलिए कर रहा हूँ. ज़हीरा को भी थैंक्स कहेंगे क्योंकि ये वो फैंस हैं मेरे हॉरर शो के जो जब भी मैं यहाँ आता हूँ दे हाईली अप्रिशिएटिंग मी, ऑलवेज़ वेलकमिंग मी. एंड उन सब को भी वेलकम करते हैं जो यहाँ हमारे साथ न्यूली ज्वाइन हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम शो सुन रहे हैं, जिसमें शायद ज़हीरा शामिल हैं. और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एनिग्मा. इनकी 8 फरवरी को बर्थडे है यानी कि कल 12 बजे के बाद. तो मैंने सोचा कि मेरे पास इससे अच्छा विश करने का प्लान और कोई नहीं होगा इनके लिए. तो एक ट्रैक है यहाँ जो हम एनिग्मा को डेडिकेट करते हैं हैप्पी बर्थडे की तरफ से, ऑल फॉर मस्ती की तरफ से. बिकॉज स्टोरी और हॉरर शो का जो आइडिया इन्वेंट किया था वो हमारे जीनियस एनिग्मा ने किया था. मैं इनको प्यार से जीनियस ही बुलाता हूँ बिकॉज ही इज़ द जीनियस मोर देन मी.
और इनको जो है वो हम विश करते हैं अपनी तरफ से एक ट्रैक यहाँ डेडिकेट करते हैं, हमारे साथ रहिए। ये था एक एनिग्मा के लिए बर्थ डे, और सबको आवाज़ आ रही, काइंडली मेन पर वन प्रेस कर दें। स्वीटी ने ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करेंगे। तो जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको आवाज़ आ रही, क्योंकि रानी को शायद नहीं आ रही है। शी इज़ नॉट, ही इज़ एक्चुअली माई ब्रदर हाशमी, और शायद हाशमी उनको लड़की समझ लिया उन्होंने एनिग्मा को। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ। आज हमें बताया गया कि भूत इतने ज़्यादा डरावने नहीं होते। आज देख लें, रानी सब ने वन प्रेस किया है, नवाब ने किया है, जहीरा उन्होंने भी किया है, नॉकआउट भी सुन रहे हैं और एनिग्मा भी सुन रहे हैं आप, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। रीज इज़ ऑल्सो लिसनिंग अस, तो सबको आवाज़ आ रही है। सिर्फ आपका रेडियो जो है वो आई थिंक मेल फंक्शनिंग कर रहा है, ख़राब है, तो उसको ठीक कर लें, या तो मोबाइल से लॉग इन कर लें और दूसरा टैब भी खोल सकती हैं। एंड एनिग्मा इज़ सेइंग थैंक यू सो मच, इट्स रियली ऑनर टू डू अ happy birthday wishes from my fans and my side to you, और आप जो है वो हमेशा खुश रहें, अल्लाह ताला आपको तरक्की दें, आमीन। एनिग्मा के लिए ये दुआ है। और मैं इसलिए लेट हो गया आज कि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनको बुखार हो गया और 104 तक चला गया हुआ 3 तक, तो वो अब ज़रा पीक से वापस आया है 102 पे, तो अब वो ठीक हैं और उनको दवा देनी थी तो इमरजेंसी कॉल हो गई थी। और मैं, ट्रस्ट मी, मैं सच बोलूँगा, मैं सो गया था और मैं आज सोया नहीं क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था, आज पूरे दिन मैं काम करता रहा। तो अब मैं वापस आया हूँ और मैं सो नहीं पाया था, और अभी मेरी थोड़ी सी आँख लगी थी कि एक बैड ड्रीम आया, एक भूतों वाला सपना आया और किसी ने आके मुझे आवाज़ दी, तो मैं समझा वही मुझे बुला रहा है। मैं उठ के खड़ा हो गया हड़बड़ा के, तो पता चला कि अम्मी की तबीयत ख़राब है। तो अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और आप सब पेरेंट्स के जितने भी तबीयत ख़राब है जिनकी भी, उनको भी सब अल्लाह पाक जो है वो ठीक कर दें, आमीन। इससे पिछले हफ्ते भी एक रिलेटिव को कैंसर हुआ था जिसकी वजह से मैं शो नहीं कर पाया था यहाँ पर, तो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा क्योर भी बताना पड़ता है। हाफ डॉक्टर तो मैं हो चुका हूँ, बाकी का मुझे बनना नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर्स का ही काम है, तो मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ खाली। और थैंक यू सो मच, शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। एनिग्मा कह रहे हैं सिचुएशन में शो किया, बिल्कुल मुझे करना पड़ता क्योंकि ये मेरे फैंस हैं और ये वेट कर रहे होते हैं और मैं यहाँ नहीं आता यार, तो भूत भी नाराज़ हो जाते और यहाँ पे लोग भी नाराज़ हो जाते। और मैं आपको सही बात बताऊँ, आज भूत होते होंगे अपनी जगह पर ड्रोने, या हम उनको डॉज दे सकते हैं माइंड में, लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में कुछ बदरुएँ ऐसी भी हैं जिसमें हम जेंडर स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं करेंगे, वो बदरुएँ जो हैं कहीं ना कहीं भूतों से भी कभी कभी हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती हैं, जिनको हम इंसान कहते हैं। और एम्मी ने ज्वाइन किया है, एम्मी को वेलकम करेंगे हमारे साथ शो में। एंड इसके साथ हम आज जो है हमारा जो शो था वो यहाँ पर हुरैन भी हैं एज एडमिन, उनको भी वेलकम करते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग अ कवरेज ऑन द मेन चैट। साथ में मैं यही कहूँगा कि आज हम पर्सनल स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, नॉकआउट ने भी एक स्टोरी अपनी दी थी हमें वो अपनी वॉइस में, आप लोग भी चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। नॉकआउट की स्टोरी मैं आज 100% अपलोड कर दूँगा बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट हैं अभी जो मुझे अपलोड करना है अपने चैनल पर आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए।
तो थैंक यू सो मच नॉकआउट को हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी वॉइस में हमें अपनी स्टोरी भेजी। आप लोग भी चाहें तो व्हाट्सएप से जाके अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं इफ़ यू गाइज टेकिंग अ बैकग्राउंड। अगर आप BGM भी सेलेक्ट करना चाहें तो नॉकआउट की तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं और हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं हमारे ईमेल khancannon6@gmail.com पे। और हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे RjVortex के यूट्यूब पर तो वहाँ पर अबाउट के सेक्शन में आपको जाकर हमारा ईमेल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स एंड द प्रेयर्स रिगार्डिंग अबाउट माई मॉम एंड द रिलेटिव। और तबीयत ख़राब होने का कभी किसी को पता नहीं चलता, इसलिए कहते हैं कि सेहत जो है वो एक बहुत बड़ा राज है और हम उसको हमें देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि सेहत जो है उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। और इट्स अ मिडनाइट हॉरर शो विद RjVortex। वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको। मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहूँगा जो मेरे साथ पेश आए मेरी लाइफ में। तो गाइज़ हम चलते हैं, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा सा करेंगे शो को भी और स्टोरीज़ को भी, ताकि आप लोगों को भी सुनने में मज़ा भी आए और आप लोग भी जो है वो अगर चाहें तो हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, हमें PM कर सकते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। गुड्डू ने ज्वाइन किया, गुड्डू को वेलकम करते हैं। और वो कह रहे हैं रागनी MMS2 जो एक मूवी थी उसकी स्टोरी सेंड कर दूं मेल में। नहीं, आप अपनी स्टोरी सेंड करें, फैंटेसी वाली स्टोरीज नहीं चाहिए, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या किसी के साथ कोई वाकया पेश आता है रियल लाइफ में। हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो आप तक पहुँचाएँ फॉर योर अवेयरनेस। इसके साथ चलेंगे एक स्टोरी की तरफ और ये स्टोरी जो है मेरी दोस्त ने मुझे भेजी है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूँगा। फिर मैं अपनी स्टोरीज़ आपके सबके साथ पढ़ूँगा और आई होप आप सबको आज का जो शो है वो पसंद आएगा। MP का मीन्स मतलब होता है एनिग्मा, माई प्लेजर। इसके साथ जो है वो अब चलते हैं, देखते हैं आज मेरे दोस्त ने क्या भेजा है एक स्टोरी और उसमें क्या है। मैंने भी नहीं सही से पढ़ी तो आज आप सबके साथ शेयर करूंगा। रानी हाशमी को कह रही है आरजे को बोलो मैं रिफ्रेश करके आई फिर स्टार्ट करना। सिद्रा 11 ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे, वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। टर्न ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। चाशनी ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं। एंड जहरा ने ज्वाइन किया, इनको कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। और अगर मेरी स्टोरी रह भी गई, अगर आपका रेडियो नहीं भी चल पा रहा तो डोंट बी सैड, ये शो अपलोड होगा चैनल पे तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे पहले मुझे खुद डर लगता था कि कोई पार्ट मिस हो जाए, कोई रह ना जाए, हम कैसे सुनाएंगे। और हाशमी भी यही कह रही हैं कि स्टार्ट हुआ मुझे सर्दी लगने लग गई है डर की वजह से, तो हाशमी को यही मशवरा है कि भाई वो लाइट ऑन कर दें अपने रूम की। एंड सुंदर से स्टार्टिंग सेइंग कि मैं भी चुड़ैल हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर इंसान के अंदर एक अपना पर्सनल जिन होता है और आप चुड़ैल हैं तो मैं भी जो है वो ड्रैकुला हो सकता हूँ, क्योंकि सबके अंदर अपनी अपनी एक थोड़ा सा शरारती जिन भी होता है जो जब हॉरर शो का टाइम होता है या हम कोई ऐसा वाकया सुनते हैं तो वो बाहर आ जाता है। गुड्डू कह रहे हैं आरजे मेरी पर्सनल हॉरर स्टोरी है, बारिश हो रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, डन डन आ डन डन। मैं समझ सकता हूँ गुड्डू, आपका डर छुपाने की वजह से आप जो है वो इस तरह के जोक्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपका डर थोड़ा कम हो। जैसे सर्दी में हम बॉन फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे जो माहौल होता है सर्दी का वो गर्म हो जाता है और हम थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और चलते हैं एक स्टोरी की तरफ और देखते हैं आज क्या वाकया इन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर ये स्टोरी फहाद की है और हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। फहाद हमसे ये कहते हैं अपनी स्टोरी में, ये वाकया मेरे दोस्त फहाद ने मुझे बताया था और उसमें लिखा है ये बात है 2013 की। मैं और मेरे दोस्त हम सब नाइट मैच की तैयारी कर रहे थे, तकरीबन 12 बज रहे थे उस वक्त। ठीक है, 12 बजे होंगे जिस वक्त ये नाइट मैच की तैयारी कर रहे थे और सैटरडे की रात थी जैसे आज की रात है। मैं और मेरे तीन दोस्त शादमान के एरिया में एक घर के पोल पर लाइट लगाने उसकी छत पर गए। छत पर लाइट लगाते हुए मैंने नीचे देखा जहां उस घर के सहन में अंधेरा था और दो आंखें चमक रही थीं।
और मेरी तरफ देख रही थी। आंखों का रंग पीला था और वो चमक रही थी। उसके बाद एक पत्थर का टुकड़ा नीचे से हमारी तरफ ऊपर आया, जैसे किसी ने हमें फेंक के मारा हो। हम चौंक गए कि ये पत्थर नीचे से कैसे आया, जबकि नीचे अंधेरा था और आसपास कोई भी नहीं था। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा था। एक बात और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सखी हसन जो है वो कनेक्टेड होता है शाहजमान से, और वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो इस वाक्य को लेकर मुझे ये लगता है कि कुछ असरात हैं जो वहाँ पर इनको इस तरह से दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और बिल्कुल अंधेरा था और किसी ने ऊपर पत्थर मारा फेंक के। एनीवेज, मेरे दोस्तों ने कहा नीचे जाकर देखते हैं। मैंने कहा नहीं, हम सिर्फ लाइट लगाने आए हैं और लाइट लगाकर चले जाएंगे। मेरे दोस्तों ने कहा तुम रुको, हम देख कर आते हैं। उसमें से मेरा एक दोस्त तंजीम हाफिज़ कुरान था, उसके साथ मेरा दोस्त सुफियान भी था। उसने आयतल कुर्सी पढ़कर नीचे उतरा तो उसने देखा सामने एक बच्ची खड़ी है, उसकी तरफ देख रही है और उसके हाथ में एक टेडी बेयर भी है और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी पीली आंखें थीं जो चमक रही थीं, जस्ट लाइक मे बी फायरफ्लाई, जुगनों की तरह। वो देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई और उसने हम सबको कहा यहाँ से चलो, यहाँ कुछ मसला है। जैसे ही वो ऊपर छत पर आया तो नीचे से तो हम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये आवाज़ हम सब ने साफ सुनी थी और हम घबरा कर वहाँ से निकल गए बग़ैर लाइट लगाए हुए, और हमने कहा छोड़ो, यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो हमने उस रात घर के बाहर क्रिकेट खेला, मगर दिमाग में वही बात मुस्तकिल चलती रही। जब हम बाहर आए उस घर से तो हमने तंजीम से पूछा कि क्या हुआ था, जिस पर तंजीम ने पूरा वाकया हमें बताया कि उसने कैसे एक बच्ची को देखा था जो कि टेडी बियर हाथ में लिए हुई थी और वो सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी थी और वो आंखें नहीं झपक रही थी। फिर हमने ये सुनकर दूसरे दोपहर में उस घर के ओनर को बुलाया और उसने बताया मेरे घर ये 30 साल से बिक नहीं रहा है, यानी हम इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस घर को कोई ख़रीद नहीं रहा है। याद एक बात रहे कि ये चीज़ें जहाँ भी होती हैं वो घर वाकई वीरान और सुनसान होते हैं और वो कभी भी नहीं चाहते कि ये घर में आकर कोई और आबाद हो। जिसको घर दिखाया उसके साथ कोई वाकया हो जाता है, ये जब से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ अरसे बाद ये जगह डेकोरेशन वाले को रेंट पर दे दी थी, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ और वो वहाँ पर अपना सामान छोड़कर चला गया। फिर 3 साल बाद यहाँ ब्लड बैंक खुल गया था, मगर वो भी कुछ अरसे बाद बंद हो गया। उसके बंद होने की वजह तो सही मालूम नहीं हो सकी, मगर सुनने में यही आया था कि रात के वक्त कुछ साए यानी शेडोज़ वगैरह नज़र आते थे और कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं। अब भी वो जगह वीरान पड़ी है। कभी हो सका तो मैं ज़रूर सर्वे करूँगा इसी दोस्त के साथ जिसने मुझे अपनी कहानी सुनाई है, और आप सब भी ऐसी जगहों से अगर आपको मिल जाए तो अवॉइड करिएगा। सिद्रा 11 को हमारे साथ वेलकम करेंगे, ये भी हमारी एक बहुत पुरानी फ़ैन है। गोलगप्पा ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करना चाहूँगा। बिया ने ज्वाइन किया, बिया को वेलकम करेंगे। प्राउड हमारे साथ मौजूद हैं, प्राउड को वेलकम करते हैं। इसके साथ जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। और ये वाकया था, मुझे एक दोस्त ने भेजा जिसका नाम फाहद था और हमने उसकी स्टोरी उनकी जो है वो यहाँ पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और आज हम अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे स्टोरीज़ के आप सबके साथ, तो उम्मीद है आपको वो भी मिलेगा देखने को। ये थी एक स्टोरी जो हमने पढ़ी, जो कि हमें फहद ने सेंड की, और अब आज एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी स्टोरी हमें सुनाएंगे कॉल पर आके, और देखते हैं उनकी स्टोरी में क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि हर नई स्टोरी में ज़ाहिर है कोई ना कोई सरप्राइज़ होता है और हमें उसका पता नहीं होता।
हेल्दी ने ज्वाइन किया, हेल्दी को वेलकम करते हैं, कह रही है नाइस शो, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इससे रिलेटेड एक वाकया मैं शेयर करूँगा फाहद की स्टोरी से, कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम पहले हमारे अपने घर थे, बाद में लाइफ अप एंड डाउन आती है और हमको एक इत्तेफाक हुआ कि हमें रेंट पर घर पे जाकर रहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त वो घर नहीं थे और वो सेल आउट कर चुके थे। तो गलती कुछ इस तरह से हुई कि हमने रेंट पे घर ले तो लिया, पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उस घर के चारों तरफ कहीं से भी धूप अंदर नहीं आती थी उस घर के सहन में। और जहाँ धूप नहीं आती वहाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ चारों तरफ बिल्कुल धूप का गुजर ना हो और घर ऐसा कोई भी हो, वहाँ ज़्यादातर चांसेस होते हैं असरात के। थैंक्स टू हाशमी फॉर क्लैपिंग। तो गाइस, हमने वो घर ले लिया और घर पे हम जब शिफ्ट हो गए तो शुरू के 2-3 महीने ही हमें गुजरे थे उस घर में। तो वहाँ पर एक घर का एक जो बरामदा था वो बिल्कुल सीधा लंबा सा जाता था और आगे सबसे कॉर्नर पर उसके एक कुआँ था, वो कुआँ ख़त्म होता था, यानी वेल जहाँ से पानी आता था बोरिंग का उस घर में, और उस घर के कुएँ में जो था वो असर था। और जब शुरू में हम गए तो मेरे घर वालों ने भी मुझे थोड़ा सा आगाह किया कि यहाँ पर रात में कोई घसीटता हुआ चलता हुआ हमें नज़र आता है, उसके पैर नहीं होते और बाद में जो है वो गेट के सामने से गुज़रता हुआ जाता है। और ये ज़्यादातर लेडीज़ साइड पे हुआ और उन्होंने मुझे अवेयर किया इस चीज़ से। उसके बाद एक रात ऐसी थी कि इसी तरह से कि मेरा जो छोटा भाई था वो लेट आता था घर पे, क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन था, हफ्ते का दिन था तो लोग ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं, तो अपने दोस्तों में वो बैठा था तो वो लेट आया घर पे। तो उसके बाद वो शावर लेने चला गया, जब शावर लेकर आया तो रात का 3 बज रहा था और इस टाइम शायद हार्डली ऐसा होता है हमें नहाना नहीं चाहिए, ये बात तो बस जब होता है तो पता चलती है। तो वो उसने शावर लिया, वो आके बैठ गया अपना या सो गया होगा, दिन का कोई 6 बज रहा था। ये चीज़ें ज़्यादातर दिन में जो है ना वो अटैक करती हैं, और 6-7 बज रहा था। और ये टाइम सिमिलर क्यों था या क्यों अटैक करती हैं इसका हम रीज़न नेक्स्ट स्टोरी में सुनेंगे। तो 6-7 बज रहा था, मैं अपना बैठा हुआ गेम खेल रहा था कंप्यूटर पर, तो मेरा भाई आया और वो मुझसे कहता कि भाई मेरा जो है ना वो दिल बंद हो रहा है और कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल को अंदर से पकड़ गई हाथ से और मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं ये सुनकर थोड़ा सा घबरा गया, मैंने सोचा शायद कोई तबीयत ख़राब होगी या फिर कोई मसला हो गया होगा जिसकी वजह से इसके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है। अब एक एथलीट पर्सन जो फुटबॉल खेलता है बाहर, और ही वॉज जस्ट लाइक 20 or 22 ईयर्स ओल्ड, और उसका इस तरह से दिल का जो है वो बंद होना या फिर पकड़े जाना, अंदर से कोई उसको पकड़ रहा हो दिल को मुट्ठी में अपनी, तो ये कुछ अजीब सा वाकया था मेरे लिए। और मैं थोड़ा सा फेड अप हुआ और मैं एनिग्मा के घर जाने लगा उस टाइम पे कि मैं इनको देखूं या बात करूं उनसे कि भाई कहाँ हैं। और ज़ाहिर है इस वक्त में तो दोस्त की ही याद आती है या दोस्त ही लोग होते हैं जो इस चीज़ का सहारा बनते हैं हमारे लिए। और तो मैं जब वहाँ पहुँचने लगा तो एनिग्मा को मैंने छोड़ दिया, मैंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर के पास पहले जाता हूँ, डॉक्टर से कंसर्न करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर कोई दिमाग का न्यूरोसर्जन नहीं था कंसल्टेंट, बट उनका असिस्टेंट था जिसके साथ बात हुई, इन्होंने पूरा चेकअप किया भाई का, बट वो कह रहे हैं इनको तो कुछ भी नहीं है और भाई कह रहा है कि उनका दिल बंद हो रहा है। तो अजीब सी कैफियत थी। और फिर वहाँ से मैं लेके भागा इसको वापस, बाहर आया मैं फटाफट, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं वहाँ से इसको लेके गया और अपने एक और दोस्त को फ़ोन किया और उसके पास पहुंचा होटल पे, और मैंने कहा थोड़ा सा आप वॉक करो और वॉक करके देखो तो आपका जो दिल का जो पल्स है वो ठीक हो जाएगा और आप बेटर फील करोगे। बट कि सिचुएशन किसी भी तरह से एनी हाउ कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और सुंदस कह रही है मुझे भूख लगी है, मुझे किचन में जाना है, कम डराओ, आपको अगर किचन में जाना हो तो लाइट खोले बगैर मत जाइएगा। और इसके साथ देर इज़ नो मीन टू बी म्यूज़िक टुडे और जस्ट सम स्टोरी रेसिटेशन। म्यूज़िक BGM होता है डम्बो, आपको वेलकम करते हैं शो में और मैं BGM के थ्रू अपनी जो भी स्टोरीज़ हैं वो सुनाता हूँ, इसमें कहीं म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती हॉरर स्टोरी में। तो यहाँ पर ये इंटरटेनमेंट शो नहीं हो रहा, ये मिडनाइट हॉरर शो विद RjVortex है ऑन ऑल फॉर मस्ती पर। आप शायद पहली बार सुन रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा रिएक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे न्यू आते हैं बेचारे उनको नहीं पता होता शो जा किस डायरेक्शन में रहा है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक,
बैक टू द स्टोरी, तो हम वहाँ आए तो अब वो भाई जो है उसकी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही, दोस्त भी परेशान, हम करें क्या। मामा सो रही थी मेरी घर पे, फिर मैंने मामा को फ़ोन किया, मेरी तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी हाथों से उस टाइम, आई वॉज जस्ट लाइक अ किड। और मैंने क्या करा कि मामा को फ़ोन किया, तो मामा ने मुझे बताया कि भाई कि भाई मेरी भाई की, छोटे भाई की तबीयत ख़राब हो रही है और पल्स जो है वो रुकने पे नहीं आ रही है और उसको अजीब सा फील हो रहा है। तो खैर हम उसको लेके दोबारा हॉस्पिटल गए, तो वहाँ उसको जब ड्रिप लगी और उसके बाद उनको डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया और उसके हाथ पाँव ट्रस्ट में बर्फ़ हो रहे थे और ही वॉज़ लाइक एक्टिंग लाइक कि बस अब वो चला जाएगा। और मैं डर चुका था बहुत ज़्यादा और मैं दुआएं पढ़ रहा था उसके साथ पास खड़े होकर, और ऑक्सीजन लगी हुई थी उसको और उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तो जब वहाँ से सब उसका चेकअप वगैरह कंप्लीट हुआ, ड्रिप वगैरह कंप्लीट हुई, तो फिर हम उसको दम कराने लेके गए एक जगह पे, जो हमारे फैमिली मेंबर है उन्होंने जब उसको दम किया है और वो घर आया है, उसके बाद उसकी हालत बेटर होने शुरू हुई है और उसी घर में आया है। तो अब हमने डिसीजन लिया सबसे पहले कि यार ये घर सही नहीं है, अजीब सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा ना। अब कन्फर्मेशन कैसे हुई कि उस घर में कोई था, ज़्यादातर तो उस वेल जो कुआं था कॉर्नर पे बड़ा सा, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी थी जो इस तरह का रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि उसको छेड़ दिया गया था क्योंकि भाई ने जाकर कुएं से पत्थर हटाया था या वो वहाँ बैठ कर बातें करता था दोस्तों से मोबाइल में। तो खैर हमने डिसाइड किया कि हम घर छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने शिफ्टिंग करी, जब शिफ्टिंग पूरी कम्प्लीट हो गई तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और आखिरी पहरा था शिफ्ट का, जो कि लास्ट कुछ चीज़ें रह गई थी जो मेरे रूम से हमें लेके जानी थी वापस नए घर में। तो किसी ने अचानक से, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, किचन में गिलास फेंक के मारा दीवार पे ना, तो मुझे आवाज़ आई गिलास की, तो मेरे दोस्त भी थोड़ा सा हड़बड़ाया हुआ था, उसको बता दिया था मैंने सिचुएशन के बारे में और ही वॉज एक्ट लाइक यार आवाज़ आ रही है और बहुत तेज़ आवाज़ आई है गिलास फेंकने की, तुमने सुनी? तो मैंने कहा हाँ मैंने तो सुनी है। तो कहता है कि यार ये तो अजीब सा वाकया है, और मैंने कहा हाँ वो जो भी चीज़ यहाँ पर मौजूद है वो अपने होने का हमें एहसास दिला रही है ना। तो लास्ट टाइम उसने इस तरह से जब ये चीज़ करी तो हमें एक चीज़ का पूरा प्लान हो गया, मतलब पता चल गया कि हाँ वाकई उस घर में कुछ था। तो मैंने कहा यार तुम दरवाज़ा बंद कर दो, उनको छेड़ो नहीं। फिर हमने अपना सामान ऐसा ऐसा उठाया और उस चीज़ ने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे तो डर नहीं लगता, तो मैंने अपनी चीज़ें उठाई और मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। शायद वो लोग ये समझ चुके थे कि अब हम वहाँ से जा रहे हैं, तो उसके बाद कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा भाई ठीक हो गया और नाउ ही इज़ रियली फीलिंग वेल एंड बैक टू हिज लाइफ। और जितने भी न्यूली लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम वेलकम करते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और वाकई डर लग रहा है। रानी वन आज मुझसे कह रही हैं जो कि डरती नहीं है, रूम की लाइट भी ऑफ है विच इज़ रियली बैड। और इसके साथ नॉकआउट भी हमसे एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। ये तो एक मेरी स्टोरी का पार्ट था, इसके बाद भी हम और पार्ट्स शेयर करेंगे। और नॉकआउट कह रहे हैं नाउ वन मोर रियल इंसिडेंट, एक और हादसा पेश आया। और आई थिंक इन्होंने ये स्टोरी कंप्लीट नहीं की। नॉकआउट जब आप कंप्लीट कर लें अपनी स्टोरी पीएम में तो प्लीज़ मुझे दी एंड लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने स्टोरी फिनिश कर ली है। सुंदर कह रही हैं अब आप किचन तक भी पहुंच गए हो, ये गलत है। एक्चुअली सुंदर को मैं बताऊं, किचन में रात में आवाज़ें आती हैं, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, स्पेशली जब लोग लेडीज़ जो है वो बर्तन धो रही होती हैं और जब भी कोई चीज़ एकदम आवाज़ आती है तो वो उछल जाती हैं वहीं खड़े खड़े ना कि ये क्या हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वहाँ लाइट खोल लें या किसी को साथ ले जाएं, क्योंकि अकेले में और ज़्यादा हमें डर लगता है। इवन योर चेयर मेकिंग स्केरी नॉइस, गोलगप्पा मुझसे कह रहे हैं, और हो सकता है ऐसा हो कि नॉइज़ आ रही हो आपको, क्योंकि मैं जब कोई वीलॉग क्रिएट करता हूँ भूतों से रिलेटेड या कोई ऑडियो लॉग क्रिएट करता हूँ तो ज़ाहिर है वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं जो आपको सुनाई देती हैं। इसके साथ रानी वन कह रही है आज वोटेक्स स्टोरी से ज़्यादा बीजीएम से डर लग रहा है।
ज़ाहिर है वुल्फ हाउलिंग करते हैं, रात का टाइम होता है, कब्रिस्तान वगैरह में जाने को हमें इसलिए मना किया जाता है कि उस टाइम एक डार्कनेस फैली होती है और वो फजर तक रहती है। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भाई के साथ भी रात के 2-3 बजे भी कब्रिस्तान गया हूँ फॉर सम रीज़न। कि भाई जो है मेरा, जो छोटा भाई से, एक मेरे दो भाई हैं, एक जो सिर्फ बड़ा वाला भाई है, वो मुझे हमेशा चैलेंजिंग मोड पे रखता है कि भाई अब चलो बाहर निकलते हैं ना। मतलब मुझे देख के उसको हिम्मत आती है कि हम राउंड लगा के आते हैं ऐसे ना। तो मैं नानी की ग्रेव पे कभी अपने चला जाता हूँ तो वहाँ वो कब्रिस्तान 100 साल पुराना है और वहाँ कुछ चीज़ें वाकई हिलते हुए नज़र आती हैं, कुछ शेडोज़ नज़र आते हैं। तो इस तरह का ये एक माहौल आज हमने क्रिएट किया है आप सबके लिए कहानियों का, क्योंकि जो कि ये रियल एक्सपीरियंस बेसिस पर हैं। और यहाँ पर हम अभी कोई स्टोरीज जो हमें सेंड होती हैं शो से रिलेटेड, वो हम मिडनाइट हॉरर शो में पढ़ते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना पर्सनल स्टोरीज़ आप सबसे शेयर करूँ ताकि आप लोग भी मुझसे कुछ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे डर के मारे भी शेयर नहीं कर पाते। आप लोग चाहें तो पीएम कर सकते हैं, जैसे नॉकआउट ने यहाँ किया। और आज वाकई सबको डर लग रहा है मुझे तो, और अजीब लग रहा है और ये सुन के, क्योंकि वाकई डरने वाली बात भी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ उस पर, और साफ सी बात है डर मुझे भी लगता है, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं डर को अपने ऊपर हावी कर लूँगा तो भूत से पहले मैं भाग रहूँगा उसको छोड़ के। तो ये था एक वाकया हमारे साथ। दूसरा देखते हैं नॉकआउट ने अपनी स्टोरी में हमें क्या दिया है, और एक कॉल लेंगे यहाँ पर हम और सुनेंगे एक स्टोरी। हमारे साथ यूज़र मौजूद हैं, वो अपनी स्टोरी हमें सुनाएंगे। देखते हैं आज उनकी स्टोरी में वो क्या सुनाते हैं, और उसके बाद मैं सुनाऊंगा अपनी स्टोरी आपको। तो लेट्स टेक अ कॉल। और कंप्यूटर जी जो हैं वो फ्रेंड को कॉल मिला रहे हैं। लेट्स सी वो कौन सी स्टोरी सुनाते हैं आज हमें। हाँ भाई, हम ऑन एयर हैं, एनिग्मा को हमने कॉल किया है ना। एनिग्मा, वेलकम इन द मिडनाइट हॉरर शो विद आरजे वोर्टेक्स। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और असल में जो रेडियो है शायद वो थोड़ा सा पीछे था, तो उसमें जो है वो नॉकआउट की स्टोरी चल रही थी, तो ओके। खैर नहीं है कोई बात नहीं। नहीं नॉकआउट की स्टोरी मैंने अभी पढ़ी नहीं है। वो एक्चुअली होता ये है कि नेट पे ना बाद में आवाज़ आती है, माइक पे मैं पहले बोल चुका होता हूँ, आपके साथ ये हो रहा होगा, जी। हाँ तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई बात नहीं। मैं 1 मिनट म्यूट कर दूं वरना हाँ आवाज जो हाँ है वो गूंजेगी फिर बिल्कुल बिल्कुल, वो इसकी आवाज़ ना। गूंजती है, मैं यही कहने वाला था। जी, आप बोले। हाँ, वेलकम इन द मिडनाइट हॉरर शो विद आरजे वोर्टेक्स, और थैंक यू फॉर टेकिंग अ पार्ट टू शेयरिंग योर स्टोरी विद द फैंस। और आपको फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और कहते हैं और सुनते हैं आज आप कौन सा ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी और सबका भी, बाकी सभी जिन्होंने मुझे विश किया। और मैं तो बहुत लकी हूं कि सिर्फ यानी इंसान नहीं बल्कि स्पिरिट्स और गोस्ट और भूत और सब जो है मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो आई फील ऑनर्ड। हाँ, थैंक यू सो मच एनिग्मा। और आप चाहे आप जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं लाइफ का, वो आप कर सकते हैं। जी, तो मैं बताने ये लगा था कि जो मेरे साथ वाकया पेश आया था ये काफी पुरानी बात होगी, तो ये जब की बात है जब मैं दुबई में था। दुबई में मैं पहले रहता था और ये बात होगी मेरे स्कूल के जमाने की। ठीक है। तो मुझे याद है कि छुट्टियां थी स्कूल की, आई थिंक समर वेकेशंस थी, और ये भी मुझे याद है कि अगले दिन छुट्टी थी यानी वीकेंड होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। तो यानी वहाँ जो है वो ऑफ होता था फ्राइडे और सैटरडे को, यानी फ्राइडे का सबको का ऑफ होता था जैसे यहाँ संडे होता है, और सैटरडे को भी तकरीब या यानी ऑफ होता था रूल्स स्कूल थोड़े जो से हर और डिफरेंट उस। हैं। यस जी तो हुआ ये था कि हम यानी जिस फ्लैट में रहते थे, जिस अपार्टमेंट में रहते थे बिल्डिंग में, उसकी समझ लें दो एंट्रेंस थी। तो एक जो एंट्रेंस थी जो उल्टे हाथ की तरफ थी वो यानी मेन एंट्रेंस थी, उसका जो यानी वो रोड फेसिंग था, सही।
रोड पर जो था वो। दूसरी तरफ जी, और जो दूसरी तरफ की एंट्रेंस थी वो यानी पीछे की एंट्रेंस थी, यानी उसमें जो है वो बिल्डिंगें थी और वो गली जा रही होती थी, और उस गली के होते हुए जो है ना आप बाहर निकल सकते थे, ठीक है। यानी उस गली में जो है उस गली से पीछे बिल्डिंग के बैक एंट्रेंसेस होते थे, सही सामने वाली जो एंट्रेंस होती थी वो रोड की तरफ थी। तो सही। होता ये था क्योंकि वो बैक एंट्रेंस थी और वो गली थी, तो वहां रात में जो है वो अंधेरा हो जाता था क्योंकि वहां कोई पीछे लाइट नहीं थी, और जो सही थोड़ी बहुत हल्की लाइट आती थी वो या तो किसी यानी किसी बिल्डिंग के खिड़की से आ रही होती होगी, और या फिर ये है कि अगर दुकान का कोई बोर्ड वोर्ड लगाओ तो उसकी ये लाइट आ रही होती थी। सही। तो मुझे याद है कि ये तकरीबन बजा होगा उस वक्त 12:30 1 इस तरह का टाइम था, 1 बजे के दौरान। तो छुट्टियां थी तो मैं ऐसी घर में जो है वो यानी गेम वगैरह खेल रहा था, मुझे याद है। तो मैंने कहा कि चलो कुछ ले आते हैं नीचे से, कुछ स्नैक्स वगैरह, चिप्स वगैरह और ऐसी कोल्ड ड्रिंक, और वो खा लूंगा और साथ में अपना गेम भी खेलता जाऊंगा क्योंकि छुट्टी तो है ही, सही। तो कोई मसला नहीं, आराम से लेट सोते थे तो सो सकते थे और ये सब। तो खैर मैं निकला और मैं जो है वो उसी गली से पीछे गया, यानी उस गली से होते हुए पीछे वाली से जब आप बाहर निकलते थे तो एक छोटी सी मार्ट बनी हुई थी, वो खुली रहती थी। तो मैं उसी गली से होता हुआ गया और मैंने, तो तकरीबन अंधेरा था सिर्फ, क्योंकि हर चीज बंद हो चुकी थी, जाहिर है लेट हो गया था, लेट नाइट, और सिर्फ मैंने ये देखा था कि चांद की रोशनी जो है वो आ रही थी, क्योंकि उस रात मुझे याद है फुल मून था, ओके तो फुल मून। चांद जो है वो काफी यानी तेजी से चमक रहा था और उसकी रोशनी से जो है वो रोशन हुआ हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ फैंस को कि जब फुल मून होता है तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अपने पावर पे होती हैं पूरी, यानी सुपर पावर्स होती हैं इनके पास, पूरी ताकत के साथ ये जो है वो घूम रही होती हैं इधर उधर। तो फुल मून पे थोड़ा सा रात में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो हमें तंग भी कर सकती हैं। जी एनिग्मा, कैरी ऑन। जी बिल्कुल। तो खैर मैं जो है वो पहुंच गया और मार्ट पे पहुंच गया और अपनी चीजें वगैरह ली और यानी उसको पैसे दिए और वापस आने लगा, वापस भी उसी गली से लिया सही रास्ता। तो सही है। मैं यानी थोड़ा ही सा आगे गया हूँगा गली में, आप ये याद रखिए कि जहन में रहे कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और सिर्फ जो रोशनी है वो जो है वो चांद की रोशनी की, और जो आवाज आ रही है वो समझ लें जो एसी वगैरह चल रहे हैं उनकी फैन की आ रही है बस, सही। यानी और कोई आवाज नहीं आ रही, तकरीबन खामोशी है क्योंकि रोड भी दूर है और वो उस वक्त कोई ट्रैफिक भी नहीं था। सही। तो खैर जब मैं थोड़ा ही सा आगे गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हो, सही। और यानी कंधे से पकड़ा हो, और ये नहीं कि हाथ रख दिया हो कि किसी ने कंधे पे, नहीं ऐसा नहीं था, बाकायदा किसी ने जैसे पकड़ा हो, जैसे कोई जोर से पकड़ रहा हो, जैसे मुझे आगे जाने से रोक रहा हो। ठीक है। ठीक है, तो उस वक्त एक थोड़ी देर के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया, मगर फिर अंदाजा हुआ कि क्या हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से जो है वो दौड़ लगा दी। ठीक है, सही, तुम्हें क्योंकि लगा कि कोई भागने के पीछे है अलावा, जो तुम्हें रोक रहा है। हाँ, तो मैंने दौड़ लगा दी, मैंने कहा बस भागो यहां से और जल्दी से वो पहुंचो घर की तरफ, यानी फ्लैट की तरफ ना, बस जहन में यही आया। ठीक है। तो मैंने दौड़ लगा दी, मैं भाग लिया वहां से और मैंने यानी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा सही। और क्या चीज है, किसने मुझे पकड़ा या क्या हुआ था, नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने बस दौड़ लगा दी, भाग लिया वहां से फुल सही स्पीड में। सही, बिल्कुल सही किया। और कोई ऑप्शन था भी नहीं ना ठीक पीछे। है, तो ऑप्शन था भी नहीं, हाँ यानी ऐसा भी नहीं कि मैं बस भाग लिया वहां से। अच्छा, तो खैर भागा तो थोड़ी देर में, क्योंकि ज्यादा दूर तो था नहीं, वो गली को इतनी बहुत लंबी नहीं थी, ठीक है, तो थोड़ी देर में मैं बस अपने जो है वो बिल्डिंग के एंट्रेंस पे आ गया। सही है। तो जब बिल्डिंग एंट्रेंस पे मैं पहुंचा तो यहाँ पूरी यानी जो एंट्रेंस थी वहां पे लाइटें लगी हुई थी। सही, यानी ठीक है, आप तो फ्रंट साइड पर आए हाँ आप।
अब मैं यानी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे आ गया, तो अब यहाँ रोशनी हो रही थी क्योंकि पूरी लाइटें लगी हुई थी। तो हालांकि अब मैं जब वहां आया तो अब क्योंकि यहाँ रोशन हो रहा था, तो अब जो है मैं वहां आके यानी खड़ा हो गया, ब्रेक ले ली और मेरी यानी सांस फूल रही थी, मैं हांफ रहा था। हालांकि कोई इतना लंबा रास्ता नहीं था मगर फिर भी मैं मगर एक डर तो लगता है, जाहिर है हमको ये था कि कोई पीछे है जिसने हमें रोकने की कोशिश की। और उस वक्त बच्चे भी थे जाहिर है। जी तो जाहिर है हाँ, उस वक्त बच्चा ही था, मैं स्कूल गोइंग बच्चा था, कोई इतना बड़ा भी नहीं था, तो भागने की स्पीड भी बच्चों के आपको पता ज्यादा होती है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर एनिग्मा बड़े ज्यादा डरते हैं, बच्चे फिर भी कम डरते हैं। हाँ बच्चे कम डरते हैं। हाँ तो और साफ सी बात है, उस वक्त समझ में भी नहीं आ रहा था, बल्कि खैर अभी तक भी नहीं आया कि क्या हुआ था। तो खैर मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया, अब क्योंकि मैं लाइट के नीचे था, रोशन हो रहा था, तो थोड़ी सी हिम्मत आई। तो मैं तो पहले खड़ा सिर्फ देखता रहा कि क्या करना है, सिर्फ मैं अपने यानी जम गया जिसे कहते हैं थोड़ी देर के। उसके बाद थोड़ी देर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा जाग के देखता हूँ जहां से मैं भाग के आया था कि वहां क्या है। ठीक है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे गया और यानी छुप के झांक के देखा ना, बिल्कुल आहिस्ता से। सही है। तो कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। तो सिवाय अंधेरे के, और वो चांद की रोशनी थी, बस उसी से रोशनी अच्छा, आ रही थी। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है निगमा, मैं आपसे पूछूंगा, बाकी सब यहाँ फैन से भी सवाल करूंगा कि आप लोग जब भी अंधेरा कर देते हो अपने रूम में या किचन में, जैसे निगमा वहाँ देख रहे थे, ऐसा नहीं लगता है हमें जैसे अंधेरे में कोई शेडोज चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, खास तौर पे जब आप लाइट बंद करें और उसके क्योंकि शायद आंखें आपकी एडजस्ट नहीं हुई होती अंधेरे में। हाँ। तो उस वक्त तो ज्यादा लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है। ठीक है तो खैर मैंने देखा झांक के, मगर दूर दूर तक जो है वो कोई भी नहीं था और बिल्कुल खामोशी थी। तो खैर मैं थोड़ी देर मैंने देखा, उसके बाद मैं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं वापस आया। ठीक है। और मैंने फिर भी मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने कहा शायद कोई बंदा ऐसा हो जो यानी पकड़ने की जिसने कोशिश की हो या की हो किसी ने कोई हो, तो वो शायद अभी आए यहीं से। तो मैं छुप के जो है ये वेट कर रहा था कि कोई आए, मगर मैं 5-10 मिनट जो है मैंने वेट किया मगर कोई भी नहीं आया, कोई था ही नहीं। सही। तो ना कोई बंदा गुजरा ना कुछ, यानी कोई भी नहीं था। तो खैर उसके बाद मैं जो है वापस आ गया और घर आ गया। तो उसके बाद जो है वो मैं मेन रोड वाला ही रास्ता लेता था, और फिर बाद में खैर गली वाला रास्ता भी मैंने लिया, वो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कभी नहीं लिया, बहुत अरसे तक नहीं लिया था जब ये वाला वाकया हुआ था, मगर फिर उसके बाद लिया, रात में भी गया और आया, और जहन में वो बात होती थी कि वो जो वाकया मेरे साथ हुआ था, मगर उसके बाद दोबारा कभी ऐसा हुआ नहीं, वो उसी रात को हुआ था। सही, समझ गया, सही। आयरन मैन हमसे यहाँ कह रहे हैं, मैं इनका टॉपिक बड़ा मजेदार आया, फनी, आई वांट टू रीड इट। आरजे सच हॉरर शोज कैन इम्प्रेस लाइक किड्स एंड एरीज एंड गर्ल्स ओनली नॉट मैन। ये आपने देखा है हॉरर फिल्मों में, हमने देखा होगा पुरानी जो मूवीज हम देखते थे जिसमें एक लड़का यही कहता था कि मैं नहीं डरता, तुम लोग सब बच्चे हो या लड़कियां हो तो तुम लोग डरते रहो, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और फिर अचानक उसके सामने जब वो भूत आता है सबसे पहले वही भाग रहा होता है, ऐसा होता है ना? भाग रहा होता है। हाँ तो ये बेचारा भी मेरे ख्याल से आयरन मैन को पता नहीं है कि यहाँ पे शो किसका हो रहा है और कौन कर रहा है और कहाँ हम लोग किस दिशा में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर परियाँ भी ज्वाइन हो रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं, यहाँ पे भूत भी आ रहे हैं, और थोड़ा सा एक इस तरह से एनवायरनमेंट ऑन एंड ऑन गोइंग ऑन है, गेट टुगेदर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनसे बात करता हूँ ना सब भाग रहे होते हैं, एनिग्मा सब मतलब छुप रहे होते हैं, स्टोरी जैसी बताओ ना सुनाओ, जैसे क्लास में इंटर होते हैं मुझसे बोलते हैं यार स्टोरी सुनाना, सब बेंच के नीचे, कोई बताएगा ही नहीं स्टोरी है क्या, क्योंकि अगर वो बताना स्टार्ट करेगा तो उसको डर लगने लग जाएगा जाहिर है, और हम वहाँ होते नहीं कि वो उनका डर खत्म हो, तो इस तरह भी लोग इस वजह से ज्यादातर सुनाते नहीं है स्टोरीज हमें। बिल्कुल, और मेरा ख्याल से ये भी होता है कि जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है, तो जब यानी किसी के साथ जब ये पेश आता है ना ऐसा वाकया, सुनी सुनाई बात पे तो जाहिर है इतना डर नहीं लगता, मगर जब आपके साथ खुद वो एक्सपीरियंस होता है ना फिर समझ आती है कि
हाँ कि आटे दाल का भाव क्या है, कि अब जो है ना भाई, फिर मजाक उस वक्त जो है ना, फिर मजाक नहीं सूझता उस वक्त जो है ना, वो बस आपका दिमाग जो है वो फ्रोजन हो जाता है, कुछ बिल्कुल समझ में नहीं फ्रीज आ रहा फ्रीज होता। फ्रीज, बिल्कुल फ्रीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो अभी पब्लिक प्लेस है ना, तो यहाँ तो लोग बात कर सकते हैं कि हमें डर नहीं लगता, बाकी सबको लगता है। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एक एक्सपीरियंस था जो मैंने किया। एनिग्मा ने हमसे शेयर किया अपनी बहुत पुरानी स्टोरी, और थैंक यू एनिग्मा, आपने हमसे वो शेयर की। तो ऐसे ही सीन्स होते हैं रियल लाइफ में ना, तो ये इनका रियल लाइफ सीन है। आज हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं, जो स्टोरीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो आई नहीं है, किसी ने भेजी नहीं है, ये खुद के साथ हुआ है। इनफैक्ट पीपल आर शेयरिंग देयर स्टोरीज, द लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो हम क्यों कर रहे हैं, आपको डराने के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, तो रात में अकेले निकलने से अवॉइड करें। एनिग्मा की इस स्टोरी का मोरल यही है, क्या कहते हैं एनिग्मा आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखें अब यही होता है, और किसी को पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, ठीक है ना, अल्लाह ना करे, सब सब महफूज रहे, हमारी तो यही दुआ है, मगर क्योंकि किसी को पता नहीं होता और वो किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है ना, रात बिल्कुल भी हो सकती है, रात में ज्यादा होता है, दिन में भी होते हैं, कम होते हैं ऐसे वाकियात, मगर रात में जाहिर ज्यादा चांस होता है क्योंकि सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, मगर यह कि उस वक्त जो है मगर उस वक्त जो है मेरी हंसी इसलिए निकल रही है कि यहाँ पर नवाब के कमेंट्स पढ़ पढ़ के मैं परेशान हो गया, वो कह रहे या अल्लाह ये स्टोरी जल्दी खत्म कर दे आमीन। लगता है नवाब को डर लग रहा है। हाँ यही बात है, बिल्कुल स्टोरीज तो खत्म नहीं होंगी जब तक शो चलता रहेगा। इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज, इस शो में स्टोरीज ही हैं, ट्रैक्स तो है ही नहीं कहीं पे। हम नवाब से कहते हैं कि वो कुछ बताए अपना। नवाब को अगर कुछ पता भी होगा तो इस वक्त आपकी स्टोरी सुन के भूल गया होगा, मुझे इतना पता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहरहाल ये था जो मेरे साथ हुआ था, और फिर आप मेन और एंट्रेंस पे जब वापस आए तो फिर आप ऐसा ऐसा लिफ्ट आपने लिए और आप चले गए ऊपर, भाग गए थे। मैं घर चला गया। हाँ मैं वही बताया जैसे आपको, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा मसला क्या हम होता बहुत है हर्ष। इसमें एनिग्मा भाई, मसला ये भी होता है ना, आपने एक चीज़ नोटिस करी है, हम जाकर यही चीज़ पेरेंट्स को बताते हैं तो वो बोलते हैं फेंक रहे हो तुम, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, जी तुम्हारा वहम होगा, बिल्कुल जबकि बच्चे सच बोल रहे होते हैं, पता है बच्चों को बच्चे, नज़र आती हाँ हैं ये खैर चीज़ें। होता है, हाँ कि बच्चों की जो है वो इमेजिनेशन ज्यादा होती है, तो वो खास तौर पे जब छोटे होते हैं तो वो चीजें ज्यादा सोचते हैं, तो इसलिए भी माँ बाप जो है वो मन उनकी बात को जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं, मगर साफ बात ये है कि मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था। सही सही किया आपने। तो ये बात यही है कि मैं यहाँ यही कहूँगा कि जहाँ रहें सेफ रहें, और एनिग्मा ने बिल्कुल सही डिसीजन उस वक्त लिया रन टाइम पर कि वो भाग गए, उस वक्त वहाँ रुके नहीं, क्योंकि हो सकता है वो जो भी मखलूक थी वो उनको और ज़्यादा नुकसान पहुँचा दी। सो थैंक यू सो मच एनिग्मा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेकिंग अ पार्ट इन द स्टोरी ऑफ दिस हॉरर मिड नाइट हॉरर शो विद आरजे वोर्टेक्स। और कोई भी स्टोरी ऐसी हो आप हमसे ज़रूर कभी भी आके शेयर कर सकते हैं, इट्स ऑल योर्स। लाइक ऑल माई फैंस जिनकी भी यहाँ पे बात हो रही है, जो हमारी शो को सुनते हैं, वो भी चाहें तो अपना शो में जो स्टोरी है वो आकर हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया एनिग्मा, हम कैरी ऑन करते हैं, आप सिट बैक करें, रिलैक्स करें और इंजॉय करें शो को। चलिए, बहुत शुक्रिया सब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तो ये थे गाइस हमारे साथ आरजे एनिग्मा, आप इनको कह सकते हैं, और साथ में जो है वो यूँ कह सकते हैं कि ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस हॉरर शो, के हम लोग जो है वो स्टोरीज़ साथ लेकर शेयर करते हैं आप सबके साथ, और जो भी स्टोरीज़ हमारे साथ आती हैं, मैं और एनिग्मा स्पेशली, और अब एनिग्मा को भी इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, और हम लोग दोनों जो है वो बड़े हो गए हैं, तो हम लोग किसी भी जगह जाने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं, और यही सोचते हैं कि दोनों साथ हैं तो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, और जाहिर है एक चीज़ है उसको फेस तो करना है, और वो कभी भी कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल सही है निगमा ने कहा, इसी तरह नॉकआउट ने हमें अपनी स्टोरी दी, और नेट आज बहुत स्लो है, बार बार ऑफ हो रहा है, आशमी को हम यही कहेंगे कि वो रिकॉर्डिंग सुन सकती हैं। MTS ने ज्वाइन किया, MTS को वेलकम करते हैं, और जी जी कर दें, और MTS को भी वेलकम करते हैं, और X2 नाम के एक पर्सन है हमारे पास जो हमसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, और
वो कह रहे हैं कि मैं यहीं कर दूं, तो जी बिल्कुल आप कर दें। नॉकआउट ने भी हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर दी है। हाँ सही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ नॉकआउट। और मास ने ज्वाइन किया था, इनको वेलकम करते हैं। कौन कौन रह गया है जिनको हमने वेलकम नहीं किया, तो वो अपना नाम लिख सकता है और उनको हम वेलकम करते हैं हमारे इस शो में। असद 92 ने ज्वाइन किया, असद 92 को मैं यहाँ वेलकम करना चाहूँगा। तो एक आवर हम यहाँ पे शॉर्ट इसलिए रखते हैं कि एक तो ज़्यादा डर भी ना लगे लोगों को, और स्टोरीज भी उसमें कंप्लीट हो जाएं। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा पार्ट है कि आज लोग उस पर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी स्टोरीज हमें सुना रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। एक और स्टोरी यहाँ पर अपनी जो है वो हम नॉकआउट की पढ़ेंगे और देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं, एक और मोर रियल इंसिडेंट हुआ है। और वो ये कहते हैं, मेरे एक दूर की कज़न हैं, उनकी सिस्टर लंबे बालों की वजह से बहुत मशहूर थी अपनी फैमिली में। ठीक है, बहुत सारे लोगों के होते हैं, मेरे भी थे जब मैं छोटा था। और लंबे बालों में ज़्यादातर ख़तरा यहाँ ये होता है कि इट्स नॉट अ जोक अपार्ट, वाकई ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं उनको। और वो काफ़ी मशहूर थी अपनी फैमिली में लंबे बालों की वजह से। स्कूल और रिश्तेदारों में लंबे बालों की वजह से मकबूल थी कि नोशी के बाल, वाह क्या बात है। एक दिन, अच्छी बात है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं ये। और बस वही बात है कि ऐसे सिनेरियोज भी हो जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है। एक दिन वो मामूल के मुताबिक स्कूल गई और वापसी पर आके अपनी अम्मी को सर में दर्द का कहने लगी। एक दो दिन सर का दर्द बढ़ता रहा, फिर खाने पीने में भी उन्होंने जो है वो कम कर दिया, और बोलना भी सिर्फ अपना सर हिला के घर वालों को जवाब देना, यानी सिर्फ सिग्नल में जवाब देना, कुछ बगैर कुछ बोले या कहे कि हाँ, जैसे हमने पूछा खाना खा लिया तो वो सर हिला के कह रही है हाँ जी खा लिया, आवाज़ नहीं आ रही उनकी। इनका कमरे में एक बहुत वज़नी लोहे का बैट था। जब उस उनकी वालदा किचन में थी और अचानक उन्होंने कहा कि नोशी एक हाथ से बैट उठा रही है, अपनी अम्मी की तरफ मुस्कुरा कर देख रही है। यहाँ थोड़ा सा मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक हाथ से बैट कौन उठा सकता है। और जाहिर है जो पोजेस हो जाते हैं, जो अब रूह पर कब्ज़ा कर लेते हैं, वो उठा सकते हैं भाई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी वालदा ने ये वाकया अपने हस्बैंड से शेयर किया, यानी नोशी के अब्बू से, और लेकिन बदकिस्मती से वो यकीन नहीं रखते थे इस चीज़ पे। जैसे मैंने अभी एनिग्मा से कहा, पेरेंट्स कभी यकीन नहीं रखते, क्योंकि उनको ज़ाहिर है वहम लगता है, कोई इतने आसानी से इजीली इस चीज़ को यकीन इसलिए नहीं करता, उन्होंने एक तो देखा नहीं होता, दूसरा वो ये समझ रहा होता है कि हम मजाक कर रहे हैं। फिर उसी दौरान नोशी लड़की, जो किसी चीज़ के कंट्रोल में थी, कहने लगी, अम्मी आज फला फला के घर कोफ्ते बन रहे हैं, मुझे लेकर दें। जब घर वालों ने कन्फर्म किया तो वाकई बन रहे थे, और रास्ते में लेते हुए एक कोफ्ता उसका भाई ने खा लिया। जैसे ही भाई घर पहुंचा तो वो चिल्ला कर बोली, कोफ्ता क्यों खाया तुमने? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे काफ़ी मर्द औरतें इकट्ठे एक साथ उसके मुंह से बोल रहे हों। ज़्यादातर स्पिरिट्स की जो आवाज़ें होती हैं रूहों की, वो ऐसे ही निकलती हैं। तो यहाँ पर नॉकआउट सही कह रहे हैं, किसी इलम वाले ने घर आके पढ़ाई की और बताया इसके बालों पर वो चीज़ आशिक हो गई है। सो ताबीज़ के बाद कोई वाकया रहनुमा नहीं हुआ, दोबारा नहीं देखने में आया जब उन्होंने ताबीज़ दिया। मौलवी साहब ने ताबीज़ ना उतारने को कहा और पहने रखने को कहा। क्या उसके बाद बहरहाल ये हुआ, नहाते हुए उस लड़की ने ताबीज़ उतार कर हैंग किया, यानी टांग दिया, और ताबीज़ बाद में नहीं मिला, यानी कि उस ताबीज़ को ही गायब कर दिया, जो भी चीज़ उस लड़की के ऊपर थी। ऐसा होता है कि वो गायब कर देते हैं, और क्योंकि उससे उनको तकलीफ़ हो रही होती है। और 15 डेज़ में उसकी डेथ हो गई लड़की की। ओह माय गॉड। उसके बाद उसके बाल एक तरफ से चील के पर जैसे थे और दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक थे। फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसके बाद किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में कोई बीमारी शो नहीं हुई, जस्ट लाइक माई ब्रदर। सो आज भी उसकी अम्मी उस वक्त को सोचती और डरती हैं और अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं। कहीं पे नज़र लग जाती है, कहीं पे ये चीज़ें आ जाती हैं।
तो इट्स अ लाइफ अपार्ट। और इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें बच बचा के चलना चाहिए चीज़ों से, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं घर से बहुत सारी शैतानी आँखें होती हैं जो पेड़ों पे होती हैं या फिर बादलों से हमें देख रही होती हैं और वो उड़ रहे होते हैं बाकायदा, और वो आकर जो है वो ज़ाहिर है हमें अपने कब्ज़े में कर सकते हैं। और वो यहाँ पर ये भी लिखते हैं नॉकआउट के इस सारे मामले के दौरान वो भी कहती रही कि कोई घर में आया है, मुझे किचन से देख रहा है, कोई स्टेयर पर खड़ा मुझे बुला रहा है। लेकिन असर सिर्फ इन्फेक्टेड ही देख सकता है, यानी जिसके ऊपर वो पोजेस हो जाता है वही इस चीज़ को देख सकता है। तो गाइज़ ये नॉकआउट ने स्टोरी शेयर की नोशी की, अल्लाह पाक उनकी रूह की मग़फ़रत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और आज वो हमारे बीच नहीं है। आई एम रियली सैड टू से दैट एंजलाइज। वैसे स्प्लिट पर्सनालिटी की वजह से भी हो जाता है जी, बिल्कुल एंजलाइज हो जाता है, आई टोटली एग्री ऑन यू, बट साइंस यहाँ पर आकर फेल हो जाती है जब इस तरह के कुछ वाकयात पेश आ रहे हों। और स्पेशली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने कुछ लोगों को देखा है, तो उनके साथ बिल्कुल यही सीन पेश आ रहा होता है, और वो हर कोई इतने आसानी से समझ नहीं सकता। इवन डॉक्टर्स के तो बिल्कुल समझ से बाहर होता है, क्योंकि साइंस इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकती। दूसरी बात, कैसेट में रील भी फंस जाती है जी बिल्कुल, और वहाँ पर अजीब सी डिफरेंट आवाज़ें आ रही होती हैं, वो एक डिफरेंट केस सिनेरियो है। वो मेरा भाई लाइवली उस रील को फंसा सकता है, उसके पास इतनी आवाज़ें हैं निकालने को, ही इज़ रियली मल्टी टैलेंटेड मैन। और कभी ऐसा हुआ तो शो में उसको ज़रूर बुलाऊंगा, तो वो आपको आवाज़ें ज़रूर निकाल के सुनाएगा। थोड़ा सा डर कम करने के लिए मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ। ब्रुकलिन ने ज्वाइन किया, ब्रुकलिन को वेलकम करेंगे। मैंने नहीं सुना शो, सुंदर गुस्से में आ गई हैं और वो काला तवा बन चुकी हैं। एनीवेज MTS ने अपनी शो स्टोरी हमसे शेयर की है, जो कि आई थिंक मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टाइम लेफ्ट और मैं अपनी स्टोरीज यहाँ नहीं सुना पाया, इतनी सारी स्टोरीज आ गई और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा है। और ये जो भूत वगैरह होते हैं ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ वाकई होते हैं या उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक नई चीज़ ये भी आई है जो लाइफ में किसी के साथ खेल रहे हों या उनको धोखा दे रहे हों, क्योंकि हमने मूवीज़ में भी देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है, तो उनको फिर सज़ा भी मिलती है। तो जो लोग यहाँ पर किसी की अगर रिस्पेक्ट नहीं करते और वो अगर उनको बद्दुआ दे दें या फिर उनका दिल दुखा दें, तो हो सकता है कि रात में सोते वक्त उनको कुछ ऐसा नज़र आए जिसके बाद वो शायद दोबारा किसी को तंग ना करें। रानी वन कह रही हैं आज के लिए काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है, मैं खुद डर रहा हूँ और मैंने अपने स्टूडियो को पैक किया हुआ है, मैंने खिड़कियाँ भी बंद की हुई हैं, मैंने स्लाइडिंग डोर भी अपना बंद किया हुआ है, एंड चारों तरफ जो है वो फिशेस खामोशी से तैर रही हैं, वो भी हमारी स्टोरी को सुन रही हैं कि ये कर क्या रहे हैं हम लोग। तो ऐसा होता है, और यहाँ फ़ोन भी बजने लग जाता है, और एनिग्मा की कुछ स्टोरीज ऐसी भी सुनी है जहाँ पे फ़ोन बजने के बाद कोई कुछ बोलता ही नहीं है अंदर से। और एंजल आइस कह रही मेरे साथ भी बहुत ड्रोनी चीज़ें हुई हैं, यू कैन शेयर इट विद अस इन द नेक्स्ट शो, गिव मी अ ब्रेक प्लीज़। बैक ऑन द माइक, वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको मिडनाइट हॉरर शो विद RjVortex। और थोड़ा सा टाइम काम आ गया था और मामा की कॉल आ गई थी एंड शी इज़ नॉट वेल, तो मुझे जाना पड़ा। तो आई होप यहाँ पे लोग डरे नहीं होंगे। एंड स्केरी BGM हैलिड इज सेइंग या इट इज़ MTS हमसे कह रहे हैं, इनकी स्टोरी भी यहाँ पर लिख दी है इन्होंने और ये लिख रहे हैं अभी। और MTS से मेरा कहना ये है कि MTS एंड में दी एंड लिख दीजिएगा जब तक मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे फैंस को। तो गाइस बात कुछ इस तरह से हुई कि ये वाकया है, जैसे एनिग्मा ने अपना एक वाकया सुनाया, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं शो को।
क्योंकि MTS की स्टोरी बाकी है, अदरवाइज़ मैं वाइंड अप कर देता। वाकया ये एक ट्रूली एक्सपीरियंस बेस्ड वाकया है, और जैसे एनिग्मा छोटे थे उन्होंने हमसे अपना वाकया शेयर किया, तो मैं भी एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। मैं अपनी नानी के घर पर रहता था और मैंने हॉरर सॉन्ग प्ले किया था हेलेड शो के स्टार्ट में। आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ RJ लिखें, स्पेस दें, वोटेक्स लिखें, आपको हमारे शोज़ मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको सारे ऐसे शोज़ मिलेंगे जहाँ पर हमने शुरू में हॉरर सॉन्ग ही प्ले किया। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी, थैंक यू सो मच आशमी फॉर वेलकमिंग मी। तो मैं, वो घर होगा मेरी नानी का, और वो घर आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो लोग कराची से हैं, कि आपने हैदरी देखा होगा, और हैदरी के पास एक मॉल खुला है, पारी मॉल, उसके बराबर में आगे जाकर एक बड़ा सा घर है जहाँ पर सांबा बैंक के नाम से, जो कि एक फैबियोला ब्यूटी पार्लर है, उसके बराबर में सीधे हाथ में वो घर है जो कि 1200 गज़ पे है, और वहाँ मेरा बचपन गुजरा है। मेरी नानी का घर था, और मुझे मेरी नानी ने ज़्यादा पाला है एज़ कम्पेयर टू माई मॉम, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो ये उस वक्त का वाकया है, और मैं कोई होऊंगा अराउंड 4-5 साल का, 5-6 साल का होऊंगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज ऑफ माइन, तो मुझे नहीं पता मेरी एज। तो रात का टाइम था, मेरे अब्बू जो थे वो नेवी में होते थे, और वो छुट्टियों पर आए हुए थे, और हमारे जो घर था उसके बिल्कुल फ्रंट पर एक फाउंटेन था, और फाउंटेन पे जो है वो फव्वारा भी था, पानी भी बहता था वहाँ से, काफ़ी बड़ा घर था। और मेरा जो बचपन था वो बहुत मज़े का गुजरा, बट उसमें से एक ये पार्ट भी था जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, और मैं उस वक्त नहीं समझता था भाई, साफ सी बात है, ये चुड़ैलें क्या होती हैं, ये विच क्या होती हैं, ये भूत क्या होते हैं, मेरे गुमान में नहीं था। मैंने जो सुना, मेरी मेमोरी इतनी तेज़ है कि आज भी मुझे ये वाकया याद है, और अगर आप लोग चाहें तो मेरे बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाकया बेसिकली उनके साथ पेश आया था। नवाब ने फौरन कैच कर ली मेरी एज, कि मैं 4 साल का था। डोंट गो विद माय वर्ड्स, 4 साल का नहीं था, मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि आई वॉज अबाउट लाइक 4 से लेके 6-8 साल तक का मैं होऊँगा, एक्चुअल पर्टिकुलर एज मुझे याद नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर जो है वो अब्बू जो थे मेरे, वो बाहर लेट जाते थे रात में ना, क्योंकि गर्मी होती थी, और हम लोग अंदर सब सो रहे होते थे, घर के दरवाजे बंद होते थे, और अम्मी कुंडी लगा देती थी कि भाई रात का टाइम है, कोई अंदर आ ना जाए। तो हम लोग सो रहे थे, रात का 3 बज रहा था, और अचानक से अब्बू ने ना दरवाज़ा बजाया धड़ धड़ करके ना। अब मैं देख रहा कि नींद से आँख खुल गई, अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अम्मी मुझे ही आवाज़ देती हैं हर जगह पे ना, बिकॉज़ आई एम अ ही मैन ऑफ माई होम। तो मैं गया और वहाँ जाकर मैंने गेट खोला, तो अब्बू अंदर आ गए। अब्बू ने मुझे कुछ नहीं बताया, और अब्बू ने जो है वो मुझसे कहा, अंदर आके कुंडी लगाई अब्बू ने जल्दी से, अब्बू घबराए हुए थे। तो अब्बू ने कहा कि बेटा तुम ना, 2 दरवाजे से हमारे घर के, एक दरवाज़ा बैक साइड का था, एक फ्रंट का था। तो अब्बा ने मुझे बोला कि फ्रंट वाले दरवाजे को खोलो, वहाँ से जाओ, मामू की खिड़की वहाँ से मिलती थी, तो वहाँ से जाने में भी 5 मिनट लगते थे, वो घर इतना बड़ा था। तो मैं रनिंग में बहुत तेज़ था, और मेरे अब्बू ने जब फ्रंट डोर से मुझे कहा तुम चुपचाप जाओ और मामू को जाके बोलो कि पीछे कोई है और अब्बू आपको बुला रहे हैं। मैं गया, रात का अंधेरा हो रहा था, हवा चल रही थी, बाबा ने मुझे दरवाज़ा खोल के भेजा जाओ, एंड आई वॉज जस्ट रिस्किंग कि वहाँ हो क्या रहा था, बाहर था कौन, वो अभी हम पता करते हैं। मैं भागते भागते चुपचाप से गया एक खिड़की के पास, जो कि मेरे मामू की खिड़की थी, मैंने वहाँ बजाया उनको, पहले तो वो उठ ही नहीं रहे, चलो भाई मैं बोल रहा हूँ यार बंदे कहाँ हैं, मतलब मैं उठाने आया हूँ, कोई तो उठ जाए। खैर आहिस्ता से वो उठ गए, मैंने कहा मामू वो ना, मामा वो बुला रहे हैं आपको, अब्बू पीछे कोई मसला हो गया। खैर उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, वो उठ गए, वो भी डरते नहीं थे, ही इज़ अ ब्रेव मैन लाइक माई फादर। तो मैं भागता हुआ वापस, ये बोल के मैं वहाँ रुका नहीं, मैं वापस भाग के डायरेक्ट आया घर के पास, और दरवाज़ा मैंने बजाया तो अब्बू ने गेट खोला और मैं अंदर आ गया। हुआ कि कुछ इस तरह से कि हमारी घर की छत के ऊपर कोई था रूफ पे, और उसके पास से बड़े पेड़ लगे हुए थे कोकोनट ट्रीज़ के, तो उसके जो छाल होते हैं उस पेड़ के, वो इतने बड़े होते हैं कि मैं अगर वहाँ से निकला भी होऊंगा एज अ कमांडो, तो मुझे उस चीज़ ने देखा नहीं होगा शायद, वरना वो ज़रूर मेरे पीछे आती, मुझे इतना तो 100% कन्फर्म है। जब मैं आज बड़ा होता हूँ तो मुझे ये बात सोचने में अवेयर होगा, ज़ाहिर समझदार होगा तो समझ आता है। तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट, मैं आ गया घर पे। खैर मामू आए वहाँ से बराबर से, और नाना भी आ गए साथ में, और अब्बू भी आ गए,
तो बाद में भाई पता चला उन्होंने इधर उधर देखा, वो ढूंढते रहे कुछ चीज़ को, मैं जो है वो देखता रहा यार कि हुआ क्या है। आखिर बाद में पता चला जी एक चुड़ैल थी, एक विच थी जो फाउंटेन के पास खड़ी हो गई पहले आके। अच्छा मेरे अब्बू जो है उसके अपोजिट बिल्कुल तख्त पे एक बेड था, वहाँ पर लेटे हुए थे, रेडियो सुन रहे थे। तो वो जब उनको नज़र आई तो पहले मेरे अब्बू ने सोचा कि शायद बराबर वाले हैं यार, ये हमें डरा रहे हैं। तो ये लड़की वहाँ आके खड़ी हो गई है फाउंटेन पे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलक झपकी दो तीन बार, वो लड़की डायरेक्ट जहाँ अब्बू लेटे थे उसके ऊपर जो छत थी वहाँ उसके ऊपर आके खड़ी हो गई। तब जो है अब्बू की तबीयत थोड़ी घबराई और उन्होंने ये मुझसे कहा कि जाके मामू को जाके बताओ कि वहाँ पर कोई है और वो हमें देख रहा है, और इस तरह की बात हुई। जब वो आ गए तो फिर अब्बू ने बताया कि भाई कोई औरत है जो पहले फाउंटेन पे खड़ी थी, अब वो जाके छत पे खड़ी हो गई है, तो आप ढूंढो। तो जब सब ने ढूंढना शुरू किया तो नाना मामू और गन भी लेकर आ गए मामू, और वो लाइसेंस थी गन, और उन्होंने देखना शुरू किया भाई कि कौन था। तो वो बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आई हमें ना वहाँ पे, और हमें ढूंढने से जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वहाँ पे ऐसा क्या था जिसकी वजह से ऐसा वाकया पेश आया। पर अब्बू ने मुझे जब वो बताया तो सीरियसली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने यही सोचा कि भाई अगर मैं जा रहा था पीछे से रिपोर्ट करने मामू को और वहाँ पर वो मेरे पीछे आ जाती तो क्या होता, मेरा कुछ भी मुझे नहीं पता चलता, कोई मुझे सेव भी नहीं कर सकता था टू बी ऑनेस्ट। एंड आई वॉज जस्ट अ किड, एक 6-7 साल का बच्चा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसको क्या पता विच क्या होती है, जस्ट लाइक एनिग्मा। तो इट्स अ पार्ट, जब मैं उसको अब आज याद करता हूँ तो माई गूज बम्स आर नाउ स्टैंडिंग अप, मेरे रोंगटे अब जो है वो खड़े हो चुके हैं, और आई वॉज रियली फीलिंग लाइट के वो वाकई अभी भी याद आता है। और वो रात मुझे अच्छे से याद है, वो फुल मून था और चाँद चमक रहा था मुझे इतना पता है, और जहाँ मैं उसको याद करूँ उधर खूब अंधेरा था और हवा जो है वो थोड़ी तेज़ थी। एनीवेज उसके बाद वो नज़र नहीं आई, तो बाद में पता चला जी बराबर वाले घर में असर है, उनका कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे असर है। और आप मेरे शो का टाइम वाकई ख़त्म हो गया, एंजेलाइस को भी डर लग रहा है, मैं हेलिडी को भी डर लग रहा है, और नाइस शो, थैंक यू सो मच। तो ये थी एक था एक वाकया जो मेरे साथ पेश आया था और मैं बच गया था उस विच से या चुड़ैल से। उसके बाद मैं भी उसके बाद मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन ये वाकया मुझे जब याद आता था तो मैं मान सकता था, क्योंकि रात को आधी रात को 3 बजे मेरे अब्बू झूठ तो नहीं बोलेंगे मुझसे कि वहाँ पे चुड़ैल खड़ी है या कोई लड़की खड़ी है जिसको बाद में पता चला कि जी वो चुड़ैल थी। क्योंकि उसके बाद भी वो 2-3 बार उस जगह पर साइट हुई थी, यानी देखने में आई थी, और मैं बहुत छोटा था तो मेरे मामू लोगों को सबको शायद पता था। अब मैं पूछूंगा तो मज़ीद इस बारे में मुझे पता चलेगा। मुझे नहीं डर लग रहा आरजे, मुझे तो मज़ा आ रहा है, हेलिडी हमसे कह रही है थैंक यू सो मच, आप बहुत ब्रेव हैं। जमीलता ने ज्वाइन किया है, जमीलता कह रही हैं कि मेरे मामू के घर अक्सर रात को छत पर रूफ पर कोई बड़े बड़े कदमों से चलता था, जब ऊपर जाते थे तो कोई नहीं होता था। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें अपने मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और मैं यहाँ पर सॉन्ग्स जो है वो रिक्वेस्ट बाद में लूँगा, तो आपके सॉन्ग्स प्ले हो जाएंगे। हेलिडी को मैं यहाँ कहूँगा, नॉकआउट कह रहे हैं वेल प्रेजेंट, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं यहाँ पर जल्दी से, नॉकआउट की स्टोरी तो हमने पढ़ ली थी और बहुत ज़बरदस्त इनकी स्टोरी भी, हम देखते हैं एमटीएस ने क्या दिया है और उन्होंने पढ़ ली है। और एमटीएस यहाँ कहते हैं अपनी स्टोरी में हमसे, आई वॉज इन अ बोर्डिंग कॉलेज, मैं एक बोर्डिंग कॉलेज में था बैक देन, एंड इट वॉज़ वेरी फेमस, वो बहुत मशहूर था, दैट इट्स बिल्डिंग वॉज मेड ओवर एन ओल्ड ग्रेवयार्ड, यानी ये जिस हाउस बोर्डिंग में थे वहाँ ये बहुत मशहूर था कि वो एक उससे पहले वहाँ एक कब्रिस्तान था जिस पर वो बिल्डिंग बनाई गई, विच वॉज रेज्ड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दैट बिल्डिंग, जो कि ज़ाया हो गया, वो कब्रिस्तान ख़त्म हो गया उस बिल्डिंग के वहाँ बनने से। सो मैनी ऑफ अस एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल थिंग, हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि जो सुपर नेचुरल थिंग्स होती हैं, ये जो भूत होते हैं ये उनको नज़र आए या उन्होंने देखा, उनको वहाँ साइट किया कि वो वहाँ घूम रहे हैं। तो ये एक बड़े अजीब सी बात नहीं है क्योंकि वहाँ ग्रेवयार्ड था, तो ये सोचना शायद इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी कि वहाँ ऐसे सुपर नेचुरल थिंग्स जो हैं वो आपको नज़र आएँ या हमें जो है वो अपने होने का एहसास दिलाएं। आई विल शेयर ओनली माइंड, मैं अपनी स्टोरी यहाँ शेयर कर रहा हूँ, विच इज़ इन दैट हॉरर, जो कि इतनी ड्रॉनी नहीं है। ठीक है एमटीएस, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। और एमटीएस यहाँ पे इसके बाद कहते हैं कि इट वॉज 3 AM एट नाइट, 3 बजे रात की बात है, मैं सो रहा था, आई फेल्ट दैट समवन पुल्ड माई पिलो विद एक्सट्रीम फोर्स, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरा तकिया खींच रहा है बहुत ज़्यादा ताकत से।
अपेरेंटली द एम वॉज ओनली टू वेक मी अप. उसका जो एम था तकिया खींचने का, वो एमटीएस को नींद से जगाने का था. वो पिलो खींचने का झटका काफ़ी ज़ोर का था एंड आई वोक अप. उस झटके से इनकी आँख खुल गई जब उसने पिलो इनका खींचा. बट स्टिल आई वॉज थिंकिंग, आई थॉट दैट आई वॉज ड्रीमिंग समथिंग. इस नींद के, जब नींद से इंसान उठता है तो उसका माइंड हाफ रीस्टार्ट होता है, तो वो यही सोचने लगे एमटीएस कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ जिसमें मेरी आँख खुल गई. एनी हाउ, बट फिर परेशानी मोबाइल की हुई, दैट समवन इज़ ट्राइंग टू स्टील माय मोबाइल. फिर उनको उनके मोबाइल की परेशानी हुई, जो कोई उनका मोबाइल चुराना चाह रहा था, विच वॉज अंडर द पिलो, जो कि तकिए के नीचे था. मैंने दोबारा आँखें बंद कर लीं और सोचा अगर किसी ने मोबाइल उठाना हुआ तो दोबारा पिलो खींच देगा. ये सोचकर एमटीएस दोबारा सो गए. डर तो लग रहा था एमटीएस को कि ऐसा ना हो मैं सर उठाऊं और चोर मेरे सर पर कुछ दे मारे. हार्ट बीट इनकी बहुत तेज़ हो गई थी काफ़ी ऐसी अचानक जागने से. जाहिर सी बात है हड़बड़ा के हमें ड्रीम भी आता है नॉर्मली, तो हमारा दिल तेज़ तेज़ धक धक कर रहा होता है. यहाँ तो एक बंदा पूरा अपने प्लान के साथ आया था जो कि मोबाइल निकालने में लगा हुआ था. तो एमटीएस यहाँ पे कहते हैं, अब की बार उसने पिलो बहुत एहतराम से खींचा और मेरे अंदर ना पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी. यानी इनके अंदर ये पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी कि वो अब पिलो आराम से खींच रहा है. रूम में अंधेरा था, बहुत थोड़ी लाइट थी जो कि वॉशरूम से आ रही थी. ज़ाहिर है लाइट थोड़ी सी रात में हल्की जो है वो जला के सोना चाहिए, वरना हम उठ के आईने में अपने आप को देख कर भी कभी कभी चीख मार देते हैं. हम इतने हॉरर बने हुए होते हैं, बालों का अजीब उजड़ा चमन हुआ होता है. एनी हाउ, एनी वेज, आई कुड फील समवन इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी. मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है जो पिलो को निकाल रहा है मेरे सर के नीचे से. वॉज रियली रियली ब्रेवरी दैट यू अलाउ हिम टू डू दिस थिंग. आप उसको अलाउ भी करने दे रहे थे और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे, ज़ाहिर है आप डर गए थे. अचानक उसने पिलो को निकालना छोड़ दिया और मैं 2 मिनट ऐसे ही लेटा रहा जैसे कि शायद मैंने कोई ड्रीम देखा हो या फिर उसने वो पिलो हिलाना छोड़ दिया. थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उठा और मैंने देखा डोर भी लॉक था रूम का. रूम में इधर उधर देखा, कुछ भी नज़र नहीं आया. बेड के नीचे भी देखा, कोई चीज़ नहीं थी. डोर ओपन करके बाहर चला गया, बाकी साथ वालों को जगाया और सब ने उस टाइम की एक स्टोरी शेयर की. कॉज स्टडीज़ की वजह से, पढ़ाई की वजह से कुछ लोग वहाँ जाग रहे होते थे जो रात देर तक पढ़ते थे जुगनू की रोशनी में, यानी लैंटर्न की रोशनी में या फिर कमरे की रोशनी में. पता ये चला कि हर किसी के रूम में कोई अजीबोगरीब चीज़ होती रहती है. जो जाग रहे थे उनसे सिर्फ ये पूछता था कि फलां के रूम में कौन सा है, और जो सो रहे होते थे उनमें से किसी का गला दबाया, किसी का पिलो खींचा और किसी को वैसे ही डरा दिया. या इट्स जस्ट लाइक अ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़. इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि 2:45 पर वो बिल्डिंग के अंदर इंटर हुआ और 3:40 में वो वहाँ से सबके रूम से बारी बारी गया, चक्कर लगाता हुआ. बिल्कुल फजर का टाइम इनका होता है लॉकअप होने का, तुमको जाना होता है. एंड सडनली ही वैनिश्ड, वो गायब हो गया. नो वन सॉ हिम एवर अगेन, उसको दोबारा किसी ने नहीं देखा. जो जाग रहे थे और देखा उनके मुताबिक था इंसान नुमा ही, बट अजीब सा ड्रेस और शक्ल देखकर अजीब लगता था और डर लगता था. हर रूम में उसने 3-4 मिनट स्पेंड किए और फिर नेक्स्ट बंदे को तंग करने के लिए चला जाता था. दैट्स इट, ही इज़ काइंड ऑफ बुली पर्सन, जो हर किसी को डरा कर बहुत ज़्यादा खुश होता था और एंड में गायब हो जाता था. इट्स रियली अ स्केरी स्टोरी एमटीएस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस. और मैं थोड़ा सा कॉमेडी का इसलिए इन्वॉल्व कर देता हूँ कि साथ में आप लोगों को डर न लगे. सुंदस कह रही है, नाइस शो, बहुत डराते हो आप. मैं ऑलरेडी अकेली रहती हूँ मोस्टली. थैंक यू सो मच सुंदस फॉर लिसनिंग दिस एंड आई एम रियली सॉरी कि आप अकेली रहती हूँ और आपको डर लगा. नॉकआउट को कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर सेइंग वेल प्रेजेंटिंग. और जितने भी लोगों ने हमें न्यूली मिडनाइट हॉरर शो में ज्वाइन किया आरजे वोर्टेक्स को, सैटरडे की रात को 1 बजे ये हॉरर शो में हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ के साथ, और हमें सुन सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ को सुना सकते हैं, चाहे कॉल पर सुनाएं या ईमेल भेजें. और यहाँ पर भी अपनी स्टोरी पीएम में शेयर कर सकते हैं जैसे एमटीएस और नॉकआउट ने आज की, और एनिग्मा ने लाइव कॉल पर हमें अपनी स्टोरी सुनाई. वेरी नाइस स्टोरी सेइंग बाय एनिग्मा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी. जहाँ रहें खुश रहें, लाइट जलाकर सोइएगा. किचन में जाएं तो लाइट जलाकर जाइएगा, साथ किसी को ले जाइएगा अगर स्टोरी सुनते हुए भी डर रहे हो या साथ काम करने जा रहे हो. शो इज़ एक्सटेंडेड नाउ और 1:15 हो चुके हैं. मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त. आपका अपना आरजे वोर्टेक्स की आवाज़,
आप लोग सुन रहे थे, और उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरीज पसंद आई होंगी। जहाँ रहें सेफ रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे में नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर जाकर RjVortex यूट्यूब पर लिख सकते हैं स्पेस देकर, और उसके बाद आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप हॉरर स्टोरीज़ को विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये स्टोरी भी अपलोड हो जाएंगी सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि हम सबको लग रहा है डर। अल्लाह हाफिज़। बंद करते हैं, अपने अपने कंबलों में जाके छुपते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, एक लाइट ऑन रहने देते हैं, और आप सबसे लेते हैं इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई स्टोरीज के साथ नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे पे। सुनना मत भूलिएगा रात के 1 बजे मिडनाइट हॉरर स्टोरीज विद RjVortex, ओनली ऑन ऑल फॉर मस्तीज वेब रेडियो। टेक अ गुड केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।